यदि कोई इंसान पूरे भारत की सैर पर निकले तो उसे ना जाने कितने राज मिलेंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक 28 राज्यों से बना ये भारत प्रत्येक क्षेत्र में एक दिलचस्प कहानियां छुपाए बैठा है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की। यूं तो क्षेत्र के आधार पर स्वयं राजस्थान काफी विशाल है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा विशाल है इस राज्य का इतिहास। एक ऐसा इतिहास जो पथ पथ पर हीरे जवाहरात जैसे आकर्षक इतिहास से जड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू सभ्यता के अनुसार विभाजित किए गए चार युगों में से चित्तौड़गढ़ किला द्वापर युग से भी संबंध रखता है। दरअसल इसकी संरचना ही द्वापर युग में हुई थी। इसका मतलब यह है कि यह किला महज कुछ सौ साल पुराना नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। ऐतिहासिक महत्व के अलावा दिखने में भी यह किला कम नहीं है। भारत के सबसे बड़े किलों में पहले स्थान पर चित्तौड़गढ़ किले का नाम ही आता है। इस किले में राजस्थान की माटी के लाल, महाराणा प्रताप और दिल्ली के बादशाह अकबर के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जो कई महीनों तक चला। लेकिन बाद में महाराणा प्रताप को वहां की जनता के लिए चित्तौड़गढ़ का किला छोड़कर सालों तक जंगलों पहाड़ों में जीवन बिताना पड़ा। यह किला इतना विशाल है कि इसके भीतर ही बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर और शानदार महल हैं। इन महलों को जो भी देखने आता है वो इसकी रचना को देख अचंभित हो जाता है। हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि इतने बड़े महल को बनाने में कितने सालों का समय लगा होगा। कुछ लोग तो अनुमान भी लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतिहास की माने तो ये महल सिर्फ एक ही रात में बना है। जी हाँ, इस महल को बनाने के लिए पूरे दिन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक रात में ही इसे खड़ा कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सालों पहले जब भारत में कुछ खास तकनीक नहीं थी और हर एक काम हाथों से ही होता था, मशीनी युग से दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं था, उस समय में कैसे सिर्फ एक ही रात में इतने बड़े महल को बना दिया गया होगा। लेकिन सच यही है कि केवल एक ही रात में यह महल बना था। यकीन नहीं होता तो द्वापर युग की यह कथा सुन लीजिए। दरअसल पांडवों के दूसरे भाई भीम ने करीब 5000 साल पहले चित्तौड़गढ़ के किले को बनवाया था। पांच पांडव भाइयों में से सबसे बलशाली राजकुमार भीम की ताकत को हजारों हाथियों के समान माना जाता था। भीम शब्द का अर्थ भी सबसे विशाल होता है, तो अपने विशालकाय संदर्भ की तरह ही भीम ने एक विशाल दुर्ग तैयार किया था। इस लोक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले तो उनके रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ और एक यति कुकड़ेश्वर से भेंट हो गई। भीम को यह पता चलता है कि इस योगी के पास एक पारस पत्थर है और अगर वो भीम को मिल जाए तो उनकी खोज यहीं खत्म हो सकती है। तो बस फिर क्या था, भीम ने उस योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसके बाद योगी पत्थर देने के लिए मान भी गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। योगी के लिए वो पत्थर बहुत ही प्रिय था और वो आसानी से इस पत्थर को खुद से दूर नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने भीम के सामने एक शर्त रख दी। पारस पत्थर देने का वादा करते हुए योगी ने भीम से कहा, मैं जिस पहाड़ी पर रह रहा हूं, यदि तुम रातों रात यहां मेरे रहने लायक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवा दो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें यह पारस पत्थर सौंप दूंगा। योगी की शर्त सुनकर भीम एक पल के लिए तो दुविधा में पड़ गए, क्योंकि केवल एक ही रात में इतना बड़ा किला बनाना असंभव था। लेकिन फिर भी भीम ने योगी की शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने चार भाइयों की मदद से किला बनाना शुरू कर दिया। पांचों भाई काम पर लग गए और एक एक करके चित्तौड़गढ़ किले को आधार देना शुरू कर दिया। पांडवों की कुशलता देखकर योगी भी अचंभे में पड़ गया कि इतनी तेजी से किले का काम कैसे पूरा हो रहा है। पांचों पांडवों द्वारा दुर्ग का कार्य करीब करीब समाप्त हो गया था, केवल दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा काम ही बचा हुआ था। योगी की चिंताएं बढ़ गई और उसने योजना बनाई। वायदे के अनुसार योगी ने पारस पत्थर देने के लिए हां तो कर दी थी, लेकिन उसका मन वो पत्थर देने को राजी नहीं था। वो जानता था कि यदि सूर्य उदय होने तक पांडवों का कार्य यूं ही चलता रहा तो जल्द ही दुर्ग तैयार हो जाएगा और उसे भीम को पारस पत्थर देना ही पड़ेगा। इसलिए उसने कपट की सहायता ली और यति से मुर्गे की आवाज में बांग देने को कहा। उस समय मुर्गे की बांग से ही सवेरा होने का पता लगता था, इसीलिए यदि मुर्गा बांग देता
तो भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर देते और योगी को पारस पत्थर देने की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे योगी दोनों तरह से सफल हो जाता। यति ने ठीक उसी तरह से मुर्गे की आवाज में बांग दे दी। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को गुस्सा आ गया। खुद को कार्य में असफल होता देख भीम को बहुत ही गुस्सा आ गया और उनका गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया। तभी उन्होंने क्रोध से ताकत लगाते हुए अपनी एक लात जमीन पर दे मारी। भीम की ताकत से उस पहाड़ी का वो हिस्सा जोर से हिल गया जहां भीम ने लात मारी और उस जगह एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसे आज के समय में भीलत तालाब के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर एक तालाब बना हुआ है जो चित्तौड़गढ़ किले की सुंदरता को और भी उभारता है। कहते हैं कि वो जगह जहां पर भीम के घुटने ने विश्राम किया था उसे भीम घोड़ी कहा जाता है और जिस तालाब पर यति द्वारा मुर्गे की आवाज में बांग दी गई थी उसे कुकड़ेश्वर स्थान कहकर बुलाया जाता है। इस तरह से इतने विशाल महल को केवल एक ही रात में, या दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी एक रात भी नहीं लगी थी, केवल इतने से समय में दुर्ग को तैयार किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दुर्ग का बाद में कई राजा महाराजाओं ने दोबारा से निर्माण करवाया होगा, लेकिन वो कार्य केवल इसकी खूबसूरती को बढ़ाने पर किया गया होगा।